हम सब इस बात से अच्छी तरह परिचित है कि एक्सरसाइज करना हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता ही है। उसके सिवा एक्सरसाइज हमारे मन और आत्मा के लिए भी अच्छी होती है। इसीलिए पुराने समय से योगा एक ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है। हर व्यक्ति को हेल्दी और फिट रहने के लिए रोज कम से कम 30 मिनट तक कोई एक्सरसाइज या योगा करना जरूरी है। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आता है कि एक्सरसाइज करने के इतने अलग ऑप्शंस हैं, तो उसमें से कौन सा एक्सरसाइज करें? ज्यादातर लोग ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जो आसान होते हैं या जिससे करने में मजा आता है। पर क्या आप जानते हैं, आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है कि कोई भी एक्सरसाइज हमारे शरीर की त्रिदोषा के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में तीनों दोषा बैलेंस रहते हैं, तभी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमारे शरीर में तीन टाइप के दोष होते हैं, वत, पित्त और कफ। इन तीनों दोष ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में बायोलॉजिकल एनर्जीज माने जाते हैं। इसीलिए जब आप दोष के अनुसार एक्सरसाइज करते हैं, तब आपके माइंड और बॉडी में प्रॉपर बैलेंस रखने में मदद मिलती है। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन से दोष के लिए कौन सी एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क स्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वत्त दोष। हमारे शरीर में वत्त दोष एयर और स्पेस एलिमेंट से बना है। जिन लोगों के शरीर में वत्त दोष ज्यादा होता है, वो नेचुरली एनर्जेटिक होते हैं। इस दोष के लोगों को एक्सरसाइज करना पसंद होता है। ज्यादातर इस दोष के लोगों को फास्ट वर्कआउट्स करना पसंद होता है, जैसे कि डांसिंग, कार्डियो, रनिंग, ऐसे एक्सरसाइज करना पसंद होता है। लेकिन इस कैटेगरी के लोगों का बॉडी फ्रेम छोटा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होती है, इस वजह से वेट भी कम होता है। इसीलिए वत्त दोष के लोगों को अपनी एनर्जी स्लो डाउन और बैलेंस करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वत्त दोष के लोगों का वेट कम होता है, उनके लिए वेट गेन करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। इसीलिए इस दोष के लोगों को बोन्स और मसल्स बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वत के लोगों को एक्सरसाइज करते वक्त एक्सरसाइज फॉर्म पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एनर्जी मेंटेन करने के लिए लो इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज करना बेहतर है, जिससे एक्सरसाइज भी होगी और एनर्जी भी ज्यादा यूज नहीं होगी। लंजेस, स्क्वाट्स, रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग और योगा जैसे एक्सरसाइज बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। पित्त दोष। अब जानते हैं कि पित्त दोष के लिए कौन से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। पित्त दोष आग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस कैटेगरी में आने वाले लोगों का शरीर ज्यादातर गर्म रहता है। इस दोष के लोगों में स्टेमिना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इस दोष के लोग ज्यादातर एथलेटिक होते हैं और ऐसे एक्सरसाइज प्रेफर करते हैं जो उनके बॉडी लिमिट को इंक्रीज करे, जैसे कि बूट कैंप्स, बॉक्सिंग, क्रॉसफिट या वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज पसंद करते हैं। लेकिन इस कैटेगरी के लोगों को अपनी एनर्जी काउंटर बैलेंस करने के लिए रिलैक्सिंग वर्कआउट्स करने चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, इस दोष के लोगों का बॉडी टेम्परेचर गर्म होता है, इसीलिए इस दोष के लोगों को एक्सरसाइज हॉट ह्यूमिड प्लेसेस में नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी का पित्त एनर्जी बाहर फेंक देता है। पित्त दोष के लोगों को यिन योगा, पाइलेट्स, स्विमिंग जैसे एक्सरसाइज करने चाहिए। पित्त दोष में बॉडी टेम्परेचर तो ज्यादा होता ही है, तो उसे बैलेंस रखने के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज करना अच्छा है। कपह दोष। कपह पानी और पृथ्वी के तत्वों से बना हुआ है। कपह दोष के लोग फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के सिवा इस दोष के लोग बहुत आलसी भी होते हैं, जिस कारण उनका वजन बहुत आसानी से बढ़ता है। आलसी होने के कारण इस दोष के लोगों को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होता है, जिस कारण इन लोगों को कोई एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करना काफी मुश्किल होता है। इस दोष के लोगों को फिट और हेल्दी रहने के लिए फास्ट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। वत और पित्त दोष के मुताबिक कपह दोष के लोग में स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण वो कोई भी फास्ट एक्सरसाइज लंबे समय तक बिना थके कर सकते हैं। कपह दोष वालों के लिए जुम्बा, तबाटा, कार्डियो एक्सरसाइज, पाइलोमेट्रिक्स बहुत ही अच्छे हैं। ग्रुप में एक्सरसाइज करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिससे इस कैटेगरी के लोगों को बोर नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आयुर्वेद के अनुसार कौन से दोष के लोगों को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके सिवा हमने ये भी देखा कि तीनों दोष में इंसान का शरीर अलग अलग होता है, जिस कारण आप अपने शरीर की जरूरत और क्षमता के हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अच्छे फायदे होंगे। अब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।